नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। धरातल की रिपोर्ट आपको अगर कोई दिखाएगा तो वो वायरल सच दिखाएगा। तो अनुरोध है आपसे, फटाफट से इस चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज हम आपको गुरुग्राम के सबसे पुराने सेक्टर का जो है हाल बयां करने जा रहे हैं और रोड की क्या स्थिति है किसी से भी छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। न्यू कॉलोनी जाना हो, लक्ष्मण विहार जाना हो, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हो, तो यही एकमात्र रोड है जो सबको जो है यहाँ से निकालता है। और ये स्थिति देखिए इस रोड की, क्या स्थिति है यहाँ पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जो है फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि कुछ दूर तक हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। कुछ जो है फैक्ट्स के ऊपर भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि गुरुग्राम के जो डीसी साहब है निशांत कुमार यादव, अगर उनकी बात करें या उनसे पहले भी जो डीसी साहब थे, सबको पता है कि सेक्टर है सबसे पहली बात। आम जनता अगर सेक्टर में घर लेती है तो वो कुछ सोच के लेती है। क्या सोच के लेती है? उसको चाहिए कि हाँ, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो पूरी हो, वो सुविधाएं पूरी हो जो उनको चाहिए। उनके जो आने वाला समय है, या हम कहें कि आने वाली पीढ़ी है, वो एक आरामदायक जिंदगी यहाँ पर बिता सके, सारी सुविधाएं उनको मिले, उसके साथ साथ सेफ्टी हो यहाँ पर। बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी होता जो है वो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आपके सामने जो सिचुएशन है वो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर रोडों की हालत इतनी ज्यादा बद से बदतर हुई पड़ी है। और आप देखिए ग्रिल किस तरीके से जो है टूटी हुई है। ये गुरुग्राम का सबसे पुराना सेक्टर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। रेलिंग टूटी हुई है, जगह जगह पर यहाँ पर खड्डे मौजूद है। और ये कोई आज की बात नहीं है, जी हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पानी की समस्या भी थी, जिससे लोगों को निजात मिल सकता था, जल्द से जल्द मिल सकता था, बट अधिकारियों की मिली भगत के कारण है जो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। मेन रोड पर आप देखिए किस तरीके से खड्डे बने हुए हैं। कुछ अगर सड़कें देखें इस सेक्टर की, वो सही हैं। अगर वो सही हैं तो इस मेन रोड को बनाने में इतनी क्या दिक्कत आती है। निवर्तमान पार्षद की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है हु हल्ला किया जाता है, डीसी साहब के ऑफिस में जाके बातें होती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। कितना समय लगेगा, हम ये प्रशासन से जानना चाह रहे हैं कि कितना समय लगेगा इस रोड को बनने के लिए। क्या कोई टेंडर अभी भी पास नहीं हुआ? क्या एस्टिमेशन बनने में कितने साल लग जाएंगे? कि ये जितनी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, आप देख सकते हैं ये जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, सबको जो है इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रीजन क्या है यहाँ पर, सामना क्यों करना पड़ता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लोग मौजूद है हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? हम 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं जी, लेकिन पिछले 30 सालों में इस सड़क की इससे बुरी हालत कभी भी नहीं हुई जी। लेकिन हाँ, एक जरूर हम कह सकते हैं कि अगर घर से नाश्ता करके निकलो और ये आधा किलोमीटर का ट्रैक अगर आप स्कूटर पे निकलते हैं जी, भोजन हजम हो जाता है। ये एक चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी मजा नहीं है। तो कस्बों से भी बुरी हालत है यहाँ पर। क्या सोच के यहाँ पर घर लिया था भाई? ये तो अर्बन एरिया है, अर्बन स्टेट है, यहाँ पर सड़क सीवर बिजली पानी की हालत अच्छी होगी जी। ये सोच के हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे, पर इस साल तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। ये सड़क हो गई ब्लूबेल स्कूल वाली रोड हो गई जी, जी, ये जी। तो मेन रोड है और आगे लक्ष्मण विहार को और कितनी कॉलोनियों को जोड़ने वाली रोड है ये जी, जी, जी। बहुत बुरी हालत है और पिछले 6 महीने से गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो नजर ही नहीं आती, ढूंढनी पड़ती है सड़क। क्या व्यवसाय है आपका, क्या काम करते हैं? अभी रिटायर हो चुके हैं। मैं एक LIC एजेंट के तौर पे काम करता हूँ और मुझे तो 20-25-30 किलोमीटर डेली सड़कों पे घूमना पड़ता है जी, जी। लेकिन बाकी जगहों में, बाकी कॉलोनियों में कहीं पे भी चले जाओ, सीमेंटेड रोड है, अच्छी है, 10-10 साल खराब नहीं होती, लेकिन ये वाली सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सभी लोग और अनेक बार कह भी चुके हैं, कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा इस बात को। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। आप देखें कि आम जनता किस तरीके से परेशान है कि ये एक लौता रोड है जो काफी ज्यादा एरियाज को जो है वो कनेक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या है। गाड़ियों की अगर हालत देखें तो गाड़ियां अगर ऐसा रोजाना ऐसे ही खड्डों से ये गाड़ियां गुजरेंगी तो क्या कितनी लाइफ रह जाएगी इन गाड़ियों की, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि आज यहाँ पर देखें कि हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है, तो हर किसी के पास जो है गाड़ी की सुविधा यहाँ पर है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बहुत जल्द गाड़ियां जो है उनको रिपेयरिंग चाहिए होती है, जो खर्चा है वो बढ़ता है उनका,
बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सरकार की, प्रशासन की, उसको काम करवाना चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा है कि किसी ना किसी तरीके से जो है यहाँ पर जनता को ठगने का जो है वो काम किया जा रहा है यहाँ पर। और बड़ी बात ये भी है यहाँ पर कि आप स्कूल की बात करें, यहाँ पर स्कूल भी काफी हैं, बच्चे यहाँ पर ट्रेवल करते होंगे, उनको कितनी दिक्कत आती होगी। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर एम्बुलेंस को कितनी प्रॉब्लम आती होगी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मरीज अगर कोई जा रहा है यहाँ से और उसको कोई मेजर प्रॉब्लम है और इसी खड्डों से होकर वो गुजर रहा है, तो आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या होगी उनके साथ। अब ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं, ये है गुरुग्राम का पौश इलाका जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनको बता दूं मैं, ये है गुरुग्राम का वो पौश इलाका जो सबसे पहले बना था। लोग यहाँ पर इसलिए रहने आए थे, लोग यहाँ पर इसलिए बात करने आए थे, लोग यहाँ पर इसलिए सोच रहे थे घर लेने का। कारण सिर्फ एक था कि कहीं ना कहीं उनको जो है सुविधा चाहिए थी कि यहाँ पर जो है सुविधा बनी रहे, और वो चाह रहे थे कि आने वाला समय उनका बहुत अच्छा निकले। बट यहाँ पर स्थिति देखिए आप। जी सर, आपका शुभ नाम? प्रोफेसर सहगल। सहगल साहब, क्या कहेंगे इस रोड की स्थिति को देखकर? पिछले एक साल से ये सड़क टूटी हुई है, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं और कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और पिछले एक साल से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। और ये जो और स्थिति देखे हम ग्रीन बेल्ट की, ये हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही। गंदगी बहुत है, सफाई का कोई इंतजाम। आप यहीं पर ही रहते हैं? तो क्या सोचकर आपने यहाँ पर घर लिया था, जब लिया था कि सेक्टर 4? हाँ, सेक्टर 4 ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है जी, इसलिए प्लॉट लिया था जी, और तो कोई कारण नहीं था। और अब क्या लगता है कि कहाँ रह रहे हैं? अब तो ये स्लम बन रहा है और क्या है। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहेंगे इस सड़क का तुरंत उद्धार किया जाए। हमारी कारपोरेटर सीमा पहुजा है, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, क्या कारण है मुझे नहीं पता। तो आम जनता बहुत परेशान रहती है। दो एसोसिएशन है यहाँ, वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों कुछ नहीं कर रही इस सड़क के बारे में और चीजों के बारे में। और भी कोई समस्या है सेक्टर 4 की? नहीं, और तो कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि लोगों को परेशानी किस चीज की आ रही है कि यहाँ पर जो स्थिति है बद से ज्यादा बदतर होती जा रही है। लोग बार बार यहाँ पर परेशान होते हैं, आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से इनका कहना है सहगल साहब का कि दो एसोसिएशन बनी हुई हैं और लोग फिर भी जो है कोई काम यहाँ पर करना ही नहीं चाहते। और ये जो स्थिति किसी एक जगह की नहीं है, ये आपको पूरा रोड दिखा रहे हैं, पूरे रोड के ऊपर अगर आप वो स्थिति देखें कि अगर फुटपाथ है, चलने वाली जगह है, उसकी क्या स्थिति है, रेलिंग की क्या स्थिति है, बद से बदतर हालत है। और देखिए गाय माता किस तरीके से यहाँ पर भ्रमण कर रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सेक्टर 4 के हालात है, कहीं दूर के हालात नहीं दिखा रहे हम आपको। वो सेक्टर 4 जिसको हम कहते हैं कि एक पौश इलाके में जो है काउंट किया जाता है, गुरुग्राम का पहला वो इलाका है जो बहुत ही पौश तरीके से बनाया गया था। सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो लोग सेक्टर में रहना चाहते हैं, जो अच्छी सुविधाएं पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें बनाई गई थी। बट आज ये स्थिति जो है वो आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए कवर कर लीजिए। जी जी जी, इस बार देखिए जरा। जी जरूर सर। आप सर, आपका नाम? आहूजा। आहूजा जी, यहीं पर ही रहते हैं? हाँ जी। कितना समय हो गया? 40 साल से हो गए मकान बना। तो क्या सोचकर बनाया था सेक्टर 4 में अगर बात करें तो? क्या देखना कुछ नहीं था जी, आप जैसे क्या हाल है। ये स्थिति रहती है यहाँ पर। और ये क्या देख रहे हैं आपका, आज क्या थोड़ी है ये लास्ट सो मेनी मंथ्स, तो कोई सफाई वगैरह के लिए कोई नहीं आता। दे आर थ्रोइंग द ब्लेम ऑन हॉर्टिकल्चर एंड ऑल द म्युनिसिपैलिटी एंड देयर इज अ टिप गोइंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स अ ग्रीन बेल्ट, हु आई डोंट नो व्हाट बिग ग्रेट आईडिया वाज दिस, दिस हैज नेवर नेवर सॉ ऑन एनी रोड एनी नेशनल हैव यू सीन एनीथिंग? Have you ever seen? No, sir. Huh?
यहाँ पर इनका यही कहना है कि कोई भी जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, ब्लेम गेम चल रही है, एक दूसरे को बोल रहे हैं, बट यहाँ पर जो स्थिति है ये काफी महीनों से चल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आकर ये चीज हमें दिखाई। यहाँ पर देखें कि सेक्टर 4 के लोग कितने जागरूक है कि हमने भ्रमण करना शुरू किया, तो 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर बात करके भी बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं यहाँ पर। ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, अगर आते जाते सड़क से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, यहाँ पर बड़ी बात बहुत सारी है। एक बात तो है ही नहीं, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जलभराव होता ही होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरुग्राम की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सेक्टर 4 में क्या हालात रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये सेक्टर का हाल है। आप खुद सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है आज गुरुग्राम की। बार बार यहाँ पर बात की जाती है कि जी The people from the Lakshmanya, they milk their cows and then they leave it here for creating dirt. वो यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। You can see that. So आपने कभी किसी से complaint वगैरह की है कुछ? We have referred to that. We have sent so many emails and all that. Nothing happens. तो यहाँ पर देखें कि इनका कहना है कि धनवापुर से लोग जो है, जो लक्ष्मण विहार धनवापुर जिनकी डेयरी वगैरह है, वो लोग यहाँ पर जो है इनको छोड़ के जाते हैं। यहाँ से ज्यादा वहाँ की सड़कें सबसे ज्यादा खराब है, बढ़ा के चले जा रहे भैया, थोड़ा सा लगा के चले जाते हैं फिर खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि एक जगह की नहीं, ये सारे गुरुग्राम, ये जो सेक्टर 4 का रोड है ये हमने शुरू किया था लक्ष्मण विहार इधर धनमापुर से, और ये सारा रोड आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। रोड की स्थिति आपके सामने है, यहाँ पर आवारा पशुओं की स्थिति आपके सामने है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट की स्थिति आपके सामने है। स्थिति बद से बदतर है, ये है सेक्टर 4। मुस्कुराते रहिए, ये है आपका गुरुग्राम। खट्टर साहब ईमानदार कर्मठ, आप अगर काम कर रहे हैं, आपके जो बीजेपी की अगर हम बात करें, सभी कहते हैं कि आप ईमानदार है, उस ईमानदारी का क्या फायदा है खट्टर साहब की, अगर आप निचले स्तर पर देख ही नहीं रहे कि गुरुग्राम में क्या कार्य हो रहे हैं। आप गुरुग्राम में देखिए तो सही, एक बार आकर अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का काम तो कीजिए, अधिकारियों पर नकेल कसने का काम तो कीजिए कम से कम, कि आपको भी पता लगे कि गुरुग्राम में हालात क्या है, गुरुग्राम के लोग कितने ज्यादा परेशान है। और ये किसी एक जगह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये आज सेक्टर 4 की मेन रोड आप देख रहे हैं, और आपको एक और चीज यहाँ पर दिखा दे, ये देखिए ये पूरा रोड जा रहा है, अच्छे से बना हुआ है। तो इसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है जो इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा, और जिस तरीके से यहाँ पर आकर लोग अपने व्यूज रख रहे हैं, इसका मतलब वो लोग कहीं ना कहीं जागरूक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो खुद आकर बता रहे हैं कि इतने लंबे समय से ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगे चलकर भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर आप देखें कि ये बोर्ड मेंटेन किया जा सकता है, पर ये सड़क जो है वो मेंटेन नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर शायद बोर्ड के ऊपर लटकना, खंभों के ऊपर लटकना ये ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड की आप ये देखें कि सड़क सुविधा पानी जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो दिखाए। वो ना दिखाकर अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ खंभों के ऊपर लटकना है, वो बड़ा शौक है यहाँ के, हम कहें यहाँ के ही नहीं सभी नेताओं को जो है खंभों पर लटकने का बहुत शौक है, पर धरातल पर काम करने का कतई शौक नहीं है उनको। बीजेपी पार्टी से भी अनुरोध है, और एक चीज हम आपको याद भी दिलाना चाहते हैं कि स्वच्छता पखवाड़े चलाए जाते हैं बीजेपी के द्वारा स्पेशल ओकेजन पर, पर क्या आम दिनों में ये सारी चीजें देखना जरूरी नहीं है कि धरातल पर क्या हालात है। गौ माता की हम बात करते हैं, हमारी पूजनीय है, सभी की पूजनीय है, हम भी तहे दिल से उनको पूजते हैं, पर बात यहाँ पर आती है कि जब वो इस तरीके से सड़कों पर घूम रही है तो क्या उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है? क्या उस समय में अनिवार्य नहीं है कि आप जिस माता को पूजते हैं उस माता को आपने सड़कों पर छोड़ रखा है आवारा घूमने के लिए, वो पन्नियां खा रही है, कूड़ा कचरा खा रही है, क्या ये चीजें सही हैं? आइए आपको दूसरी तरफ जो है, दूसरा पहलू है,
वो भी दिखाते हैं इस सड़क का। एक साइड तो हमने दूसरी दिखाई है आपको, दूसरी तरफ भी हम जा रहे हैं। ये आप रोड देखिए कितना क्लीन बना हुआ है। ये आपको भेदभाव की स्थिति है जो वो दिखाना चाह रहे हैं हम, कि यहाँ पर देखिए कि एक रोड जो है कितना अच्छे से बना हुआ है साइड में, पर यहाँ पर देखे स्थिति वही है। पर अगर वो रोड बन सकता है तो ये रोड क्यों नहीं बन रहा। ये स्थिति गुरुग्राम की है, सेक्टर 4 की, वो पॉश इलाका जिसके लिए लोग यहाँ पर मिनिमम भी अगर हम बात करें दो दो तीन तीन करोड़ की यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, दो दो तीन तीन करोड़ की यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। और इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद भी अगर लोगों को माथे पर हाथ मारना पड़े और ये बोलना पड़े, ये सोचना पड़े कि भाई कहाँ पर घर ले लिया, तो शायद ये सरकार पर, प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बट इन प्रश्न चिन्हों से शायद ही इनको फर्क पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि अभी अधिकारियों के ऊपर कोई भी नकेल कसने को तैयार ही नहीं है। कोई इस बारे में सोच ही नहीं रहा कि गुरुग्राम के सबसे पहले सेक्टर सेक्टर 4 की कोई सुध ले। जाकर हु हल्ला करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर आइए, काम कीजिए। अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है वो बदलाव का समय है, और ये बदलाव आपको बहुत जल्द दिखाई देगा अगर ऐसी ही स्थिति रही। क्योंकि गाड़ियों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को मूव करना पड़ रहा है। यहाँ पर हालात बद से बदतर है, शॉकर खराब होंगे, गाड़ियों के टायर खराब होंगे, टायर फटेंगे, टायर जो है प्रॉब्लम आएगी उनमें। बट फिर भी सरकार को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़कों में अगर जल भराव हो गया, इसी सड़क में जल भराव हो गया, उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है गाड़ियां पलटेंगी या फिर एक्टिवा गिरेगी, उससे भी कोई मतलब नहीं है। दुर्घटना होगी तो आएंगे, सांत्वना देकर चले जाएंगे, बट उसके अलावा शायद ही सरकार का, प्रशासन का कोई और दायित्व ही नहीं रहा। ये बहुत शर्मनाक बात नहीं लग रही है आपको? आपसे भी अनुरोध है कि कृपया कर जो है इस चीज की ओर जरूर ध्यान दे। वायरल सच जो है आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाएगा धरातल की क्या सिचुएशन है। पर आपसे अनुरोध है, आप अपना कर्तव्य निभाना मत भूलिएगा। आप इस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें और इसको आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि प्रयास वायरल सच का है, बट साथ आपको भी देना होगा, क्योंकि आप भी गुरुग्राम की उस पावन धरा पर है, गुरु द्रोण की धरती पर है, जहां पर नाम लेते हुए भी फक्र महसूस होता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, आज जो सिचुएशन है, उससे कहीं ना कहीं शर्म करो या कर्म करो की बात कहने को हम भी मजबूर हैं। क्योंकि क्या सही में एक साल से किसी को ये सड़क की हालत दिखाई नहीं दे रही? ये आम जनता है जो आकर बता रही है, हम नहीं बता रहे, आम जनता आकर बता रही है कि इतने महंगे प्लॉट लेने के बाद, इतनी महंगी जो है यहाँ पर रेजिडेंट लेने के बाद, उसके बावजूद भी यही स्थिति है अगर सड़क की, तो सरकार को, प्रशासन को सही में शर्म करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए ये टैक्स नहीं देते हैं, दोज आर द टैक्स पेयर। अगर हम बात करते हैं सेक्टर 4 एक पॉश इलाका है, यहाँ पर बिजनेसमैन रहते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, वो सारे टैक्स पेयर है। बट उसके बाद भी अगर उनकी स्थिति ऐसी ही है तो सही में सरकार को सोचने की जरूरत है, वरना जनता को पलटना सत्ता को बहुत अच्छे से आता है।